डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। फाइंड द टू नंबर्स। तो लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई वेयर एक्स ग्रेटर देन क्या वाई। एक्स क्या है? ग्रेटर देन वाई है। तो स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर है ना, तो x बड़ा है तो उसमें से ही, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 180। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा वो ये बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है y है ना, उसका स्क्वायर 8 टाइम्स है किसका, इक्वल लार्जर नंबर है ना। तो y स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। लार्जर नंबर बोला है, लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं बोला है, इसलिए यहां पे 8x आएगा ना कि x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन है ना। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं y स्क्वायर कितना 8x, तो ये 8x y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर देना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, y स्क्वायर क्या 8x इक्वल्स टू क्या 180 है ना। हमने जस्ट क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर फ्रॉम 2 इन 1। हमने y स्क्वायर की वैल्यू 2 से किस में पुट कर दी, 1 में। तो ये इक्वेशन बनी, 180 को उधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ओके, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर देते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ध्यान देते हैं, ठीक, जिसमें से आपको आंसर मिलेगा। तो x स्क्वायर माइनस 8x, तो यहाँ पे और 180, तो 18 और 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, और 18 इंटू 10 क्या होगा 180 होगा। तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आएगा x, x माइनस 18 कॉमन लेने से, यहाँ जाएगा 10, यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 18 क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचेगा 10 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू 18, एक ये सॉल्यूशन। दूसरा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू माइनस 10, ये सॉल्यूशन रिजेक्टेड, क्योंकि माइनस हो ही सकता नंबर में। ठीक है, x क्या 18, तो आपका फाइंड द टू नंबर्स क्या होंगे, x 18 आया, तो आपको पता है, आपको पता था कि जो y स्क्वायर था वो क्या था 8x था, तो दैट इज 8 into 18, दैट इज 8 into 18, 8 8 जा 64, 4 6, 8 1 जा 8 और 6 144, y स्क्वायर 144, तो y कितना आया 12 अंडर रूट ऑफ क्या 144। तो x आया 18, y आया आपका 12, ये तो हमने रिलेशन था ना, सेकंड रिलेशन उसमें से किया है बस। तो आपके जो दो नंबर आए वो क्या क्या है, एक 18 और दूसरा क्या है आपका 12। ओके,